23 मई को होने वाली मतगणना के लिए हरिद्वार जनपद में जिला निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। मंगलवार को हरिद्वार के BHEL स्थित HRDC में मतगणना की रिहर्सल की गई। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी SSP समेत मतगणना से जुड़े सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि पहली बार हरिद्वार जनपद में लोकसभा चुनाव में मतगणना की प्रक्रिया BHEL के HRDC में होने जा रही है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन विभाग के अनुसार सबसे पहले सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की स्कैनिंग और उसकी गणना होनी है। इसके बाद ही EVM की गणना शुरू की जाएगी। हरिद्वार जनपद की सभी 11 विधानसभा सीटों की मतगणना यहां पर होगी, जबकि हरिद्वार लोकसभा की 3 अन्य विधानसभा सीटें ऋषिकेश, धर्मपुर और डोईवाला की मतगणना देहरादून में होगी। 11 विधानसभा हैं जिसमें कि अलग अलग काउंटिंग हॉल्स बन चुके हैं। कुछ हमारे थोड़ा सा छोटे हैं तो उसमें हम 8 टेबल्स ही लगा पा रहे हैं, और बाकी हमारे काउंटिंग हॉल्स बड़े हैं जिसमें कि पूरी 14 टेबल्स हम लगा पा रहे हैं। इसके अलावा जो ETPBS है उसके लिए अलग से टेबल्स लगाई हैं 32, जहाँ पे कि इनकी स्कैनिंग होगी और स्कैन करने के बाद में गिना जाएगा। बाकी जो वैसे हमारे पोस्टल बैलेट्स हैं जो कि कर्मचारियों के हैं, स्टाफ के हैं, उनको भी अलग से गिना जाएगा। और आज एक तरह से एक ड्राई रन हुआ था, जो हमारी काउंटिंग के दिन जो चीज़ें होनी है उस सब का जो सुविधा पोर्टल बनाया गया है उसमें उन सब की एंट्रीज की गई बाकायदा राउंड वाइज, और किस प्रकार इनकी गणना उस दिन होनी है इस सब पे भी विस्तार से एक तरह से रिहर्सल हुई है। पहले शुरू का जो आधा घंटा है उसमें होगी, उसके बाद हम EVMs की जो काउंटिंग है वो भी शुरू करेंगे। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।